सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और आपको अपने WhatsApp पर कोई आपका फ्रेंड जो है कोई फाइल सेंड करता है और आपको वो फाइल जो है डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो इमेज हो या ऑडियो हो या फिर किसी भी तरह से कोई फ़ोटो वगैरह हो, अगर आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और आपको यहाँ पर दिखाता है डाउनलोड फेल्ड, दी डाउनलोड वॉज अनेबल टू कंप्लीट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्यों नहीं उस फाइल को डाउनलोड कर पा रहे। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, उसका पूरा सोल्यूशन दूंगा आपको। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ मेरे मोबाइल में अबाउट में है, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ जाने के बाद देखना है आपके मोबाइल में स्टोरेज है या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर 32 GB जो है यहाँ पर टोटल है मेरे फ़ोन की मेमोरी, बट यहाँ पर अवेलेबल है अभी यहाँ पर 1.72 GB। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 GB के लगभग यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास स्टोरेज। तो ऐसे में अगर मैं कोई फाइल जो है डाउनलोड करूँगा तो ईजिली हो जाएगा, बट आपके मोबाइल में अगर स्टोरेज फुल हो रखी है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप स्टोरेज का ध्यान रखिए, स्टोरेज जो है खाली कर लीजिए यहाँ पर एक बार चेक करके। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, आपको जो है अपना नोटिफिकेशन बार में आना है और यहाँ पर आपको देख पाएंगे एरोप्लेन मोड, इस एरोप्लेन मोड को आप जो है एक बार अनेबल कर दीजिए और फिर डिसेबल कर दीजिए, जिससे कि आपकी नेटवर्क जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर नेटवर्क आ जाएंगे आपके, और यहाँ पर मैं वो मोस्टली प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों नेटवर्क की वजह से ही आती है। आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है अगर फेस करनी पड़ रही है तो आप ये काम कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं आपका जो है नेटवर्क आ रहा तो दोस्तों आपको सेटिंग में आ जाना है, सिम कार्ड में आइए और नेटवर्क में यहाँ पर देख पाएंगे अपना जो सिम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। 2 सिम है तो कोई भी आप मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपने नेट चलाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क है। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में तो आप दोस्तों अपने हिसाब से 4G रख ही सकते हैं LTE पर। और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में आइए, यहाँ पर अपना जो नेटवर्क है ऑटोमेटिकली है तो उसको जो है मैन्युअली सर्च कर लीजिए। ये सब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी मेरा नेटवर्क होगा जिस भी कंपनी से अभी यहाँ पर आ जाएगा तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको सिलेक्ट कर लेना है एज इट इज़ और यहाँ बैक आ जाता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके फ्रेंड ने आपके व्हाट्सएप पर कोई जो है फाइल सेंड की हुई है तो आपको बोलना क्या है उसको दोबारा सेंड करें, क्योंकि कई बार होता क्या है आपका फ्रेंड जो आपको व्हाट्सएप पर पिक सेंड करता है या फाइल सेंड करता है कोई भी, वो करप्ट होती है, प्रॉपर नहीं आ पाती। ठीक है, तो उसको बोलिए कि कोई और फाइल सेंड करके देखे जिससे कि पता लग जाए कि फाइल में ही दिक्कत है या फिर आपकी मोबाइल की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, उसको दोबारा कोई और फाइल सेंड करने को बोलिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको करना क्या है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों ऐप्स में आइए, यहाँ पर ऐप्स में आ जाना है। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स में आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप अपना सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करने के बाद देख सकते हैं आपको ऐप परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जितने भी आप परमिशंस देख पाएंगे गाइज यहाँ पर आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है। ठीक है, आपको इन परमिशंस को अनेबल रखना है। अगर आपकी मीडिया स्टोरेज जैसे आप देख सकते हैं ये भी अगर आपकी ऑफ होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसको जो है ऑन रखिए। ठीक है, आप यहाँ पर ऑन रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसके बाद बैक आइए, बैक आने के बाद यहाँ से ही आप डायरेक्ट चले जाइए अपना डेट एंड टाइम की सेटिंग में। यहाँ से हम डेट एंड टाइम की सेटिंग में चले जाता हूँ मैं, एडिशनल सेटिंग में, और यहाँ पर डेट एंड टाइम है। अगर आपकी डेट एंड टाइम सही नहीं है गाइस, यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी तो यहाँ पर डेट एंड टाइम सेट है। अगर आपके मोबाइल में डेट एंड टाइम की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर यहाँ पर है नहीं, टाइम एंड डेट सेट नहीं है, तो आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो उसका सर्वर है व्हाट्सएप का वो यहाँ पर डेट वाइज जो है काम करता है। तो आपको जो है डेट एंड टाइम उसके हिसाब से रखना होगा, अपना प्रॉपर डेट एंड टाइम रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में आ जाना है डायरेक्टली ये काम करने के बाद। अगर आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है, अगर वो काम करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये सब काम करके देख लेने हैं। वो यहाँ पर प्ले स्टोर में आ जाइए, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आपको अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है
तो आप जो है आप अपडेट कर लीजिए उसको, अगर आपको अपडेट आया हुआ है तो। अपडेट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपका मीडिया जो है डाउनलोड नहीं हो पाता प्रॉपर। आप जो है ये काम कर लीजिए गाइस, और फिर भी नहीं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही तो गाइस आपको फाइनली करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग जो होती है उसको रीसेट करना होगा। सेटिंग में जाकर यहाँ पर मेरे फ़ोन में तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सेटिंग का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पूरा फ़ोन ही रीसेट करना पड़ता है मुझे। तो आपके फ़ोन में है नॉर्मल सेटिंग का, जस्ट सेटिंग सेटिंग आपकी रीसेट हो जाए तो आप कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। या फिर अपने व्हाट्सएप को जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्लियर डाटा भी कर सकते हैं उसका, क्लियर डाटा कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।